नमस्कार किसान भाइयों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं एपिसोड 1 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के अंदर। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर आर माधवन जी, जो एक इंजीनियर हैं और फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 30 साल से अपनी खुद की खेती कर रहे हैं सक्सेसफुली। माधवन सर, आपके लिए किसान सारे किसान भाई की तरफ से एक सवाल है। आज के डेट में जो किसान भाई अपने खेत में जुताई कर रहे हैं या जमीन को तैयार कर रहे हैं खेती के लिए, और आप जो सिखाने वाले हो या आप शेयर करने वाले हो, उनमें अंतर क्या है और किसान भाई को फायदा क्या है? अच्छा सवाल है हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसान केवल 10% ही जमीन तैयार कर रहे हैं, जबकि क्षमता का कम से कम 60% केवल जमीन तैयार करने पर ही लगना चाहिए। ये एक घर बनाने जैसा है। पक्षी पहले घोंसला बनाते हैं, उसके बाद अंडे देते हैं। मतलब घोंसले की अहम भूमिका होती है अंडे देने में। अब हम किसानों के लिए अंडे मतलब बीज। अब हम बीज को मिट्टी में डालेंगे। अब मिट्टी को पौधे के लिए घर का काम करना है। क्या हम इसको महत्व दे रहे हैं? इसके लिए मैं कहूँगा नहीं। जब हम मिट्टी में बीज के फलने फूलने पर खास ध्यान देंगे, तब जाकर हमें बेहतर नतीजे मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर घोंसला अच्छे से नहीं बना होगा, घोंसले पर रखे अंडे गिरकर टूट सकते हैं या कुछ भी गलत हो सकता है। और अगर घोंसला अच्छे से बना होगा तो उसमें रखे अंडे सुरक्षित रहेंगे और चूजे अच्छे से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही हम बीज बोएंगे। बीज बोने से पहले जमीन की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर हम इसे इतना महत्व नहीं देते। जमीन तैयार के लिए हमें कुछ खास तरीके अपनाने होंगे, पर हम सोचते हैं कि जमीन तैयार करने का मतलब बस जुताई। जुताई जमीन तैयार करना नहीं है, जमीन तैयार करने में शामिल है। पहला चरण है, जब भी आप अपने खेत में मशीनीकरण करें, अनुकूल नमी का ध्यान जरूर रखें। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कि पहला ऑपरेशन है सीजल, इसे डीप प्लॉइंग भी कहा जाता है, गहरी जुताई भी कहते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि सीजल कैसा दिखता है। ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये ट्रैक्टर से जुड़ने वाला एक सिंगल लाइन वाला औजार है और यह मिट्टी की सतह को लगभग 3 फीट गहराई तक काटता है। कृपया ध्यान रखें कि यह हल नहीं है, यह मिट्टी की सतह से केवल सख्त सतह को काट रहा है। कॉम्पैक्शन के कारण कॉम्पैक्शन दर ज्यादा है और मूल प्रसार प्रतिबंधित है, और सॉयल प्रोफाइल में पानी का संचय भी प्रतिबंधित है। इसलिए हम इस उपकरण का उपयोग इस क्षेत्र के इस भाग में कर रहे हैं, और यह भारत में भी व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता, और हमारे पास इसे 3 या 4 बार खींचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली ट्रैक्टर नहीं है, इसलिए हम एक बार यूज करेंगे। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं, उनको आप नहीं देख सकते, पर आप फसल को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे। एक किसान के रूप में मेरे अनुभव से मेरी उत्पादकता में वृद्धि हुई, उत्पादकता में 40% वृद्धि हुई अकेले इस ऑपरेशन से। भारत में अधिकांश किसान इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं इस खास उपकरण के महत्व और इसके उपयोग के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहले आपके बारे में, फिर समुदाय के बारे में। अब इससे आपको क्या लाभ हो सकता है? बारिश की कम मात्रा भी मिट्टी की गहराई में समा जाती है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि मिट्टी के संघनन के कारण, लगातार बारिश की वजह से ट्रैक्टर चलने और मनुष्य चलने के कारण सतह बहुत सख्त हो गई है, बहुत सख्त, एकदम तवे की तरह। आपको उस तवे को कूटना होगा ताकि बारिश का पानी नीचे जा सके। ओके, सबसे जरूरी है बरसाती पानी को बचाना। आप बारिश के पानी बचाए जाने पर हैरान होंगे।
यदि मैं नंबर दूं तो आप उस चार्ट का उल्लेख कर सकते हैं जो आपकी विंडो में दिखाया जाने वाला है। आप पानी की कितनी मात्रा बचा सकते हैं ऐसा करने पर। अब फसल के लिए इसके क्या फायदे हैं। क्रॉप रूटिंग सिस्टम वह है जो सतह पर दिखाई नहीं देता और हम भी इसे नहीं देख सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर पौधों को खाना पड़ता है और एक पौधे का मुंह जड़ होती है। यदि आप जड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी ही तरह अगर हमने भोजन ठीक से नहीं किया है तो हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम केवल अपने मुंह से खाते हैं और यदि हमारा मुंह प्रभावित होता है तो इससे हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसी तरह अब ये रूट अगर ये प्रभावित होती है कॉम्पैक्शन के कारण तो प्रसार नहीं होता है। सख्त सतह के कारण जड़ों की संख्या ठीक से नहीं खुल पाती है। सीजलिंग द्वारा आप जड़ों को आसानी से आगे बढ़ने की अनुमति आसानी से दे रहे हैं। जड़ें एक बार आसानी से फैल जाएं, उसके बाद आपके पास मिट्टी से जुड़े तत्व होते हैं जो अवशोषित हो जाते हैं और प्रदर्शन में वृद्धि होती है। तो अब आप सीजलिंग की इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ गए होंगे। पानी की बचत होती है, इससे फसलों का मूल प्रसार होता है। मतलब आप अपने खेत के लिए पानी बचा रहे हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर बारिश से परेशान है, मुझे पता है। जब बारिश की संभावना होती है या नहीं होती है तो हम कितना तनाव में होते हैं और बहुत सारा पानी बर्बाद कर देते हैं। अब ऐसा करके हम अपनी खेती के लिए पानी बचा सकते हैं। आप 3 फीट तक सिजलिंग करके जड़ों को 3 फीट बढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं और पानी ऊपर लाने की। मिट्टी में एक विशेषता होती है जो कैपिलरी एक्शन कहलाती है। मैं आपको ज़्यादा तकनीकी तौर तरीकों के बारे में नहीं बताऊंगा, पर कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि निम्न स्तर पर क्या होता है। आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको इस टूल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। आप देखेंगे कि फसल का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। पानी के लिए तनाव कम से कम है। आपने बहुत सारा बरसाती पानी बचा लिया है जो कि हमने पीछे स्लाइड के एक चार्ट में दिखाया था। आपने कितना सारा बरसाती पानी अपने खेत के लिए जमा किया बिना कुछ किए। आप ऐसा फसलों के लिए करने वाले थे, लेकिन आपको पानी बचाने का बोनस भी मिल रहा है। सीजलिंग की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सतह बंद है। थोड़ी सी बारिश और सोयल कम्पैक्शन होने के कारण एक बार ये किसी जगह पर जमा हो जाता है और फिर ये वहाँ से बह जाता है तो ऊपरी मिट्टी को भी साथ ले जाता है, और ऊपरी मिट्टी आपकी फसल की उत्पादकता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिजलिंग से ऊपरी मिट्टी का हटना कम से कम हो जाता है। अब आपको खुश होना चाहिए कि सीजल करना आ गया। सीजल ऑपरेशन के बाद लैंड प्रिपरेशन में जिस अगले पॉइंट की बात करेंगे वो है आपको चुनना होगा आप कौन सी फसल उगाएंगे। मौसम, इन दोनों की इम्पोर्टेंस के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, मैं इन्हें नहीं दोहराऊंगा क्योंकि किसान होने के नाते आप इनको जानते हैं, राइट? आपने जान लिया और इस पर फैसला ले लिया। अब आपको अपनी मिट्टी टेस्ट करनी है। मैं सहमत हूं, हर कोई अपनी मिट्टी की जाँच कर रहा है, पर क्या हम पूरी तरह से मिट्टी का विश्लेषण कर रहे हैं? मैं इसे दोहराता हूँ, पूरा मिट्टी विश्लेषण इन सभी छोटे बड़े पोषक तत्वों के लिए, छोटे मोटे पोषक तत्व पौधों के लिए ज़रूरी हैं। हमारी तरह वो भी ये सब चाहते हैं, उन्हें सब पोषक तत्व चाहिए। अब मैं कहता हूँ मिट्टी जांच खून की जांच के बराबर है। मिट्टी की जांच ज़रूरी है, हम इसे खून की जांच की तरह जरूरी नहीं मानते हैं। यदि आपका सही ब्लड टेस्ट तो कैसे डॉक्टर सही से दवाई देकर आपको ठीक करने में मदद कर सकते हैं, उसको जाने बिना हम नहीं कर सकते। सही मिट्टी विश्लेषण के लिए सबसे ज़रूरी मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करना। उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है जिसमें आपको दिखा रहे हैं, जिसे सोयल प्रॉब कहते हैं। ये एक कोर बैरल की तरह है, इसे बस 9 इंच की गहराई में अंदर डालें और अंदर ही मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। हमें इसे पूरे क्षेत्र में ले जाना होगा
अलग जगहों पर, ताकि हमें मिट्टी का प्रतिनिधि मिल जाए और इससे हम अपने क्षेत्र को दिखाएं। हम एक चार्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें मिट्टी को इकट्ठा करना बताया गया है। हम मिट्टी को उस चीज से वापस लाए, हम मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और सजातीय मिश्रण करेंगे और इसे सपाट करके चार हिस्सों में बांट लेंगे। ये ऑपरेशन ये सुनिश्चित करता है कि हमें मिट्टी के विश्लेषण से प्रतिनिधि मिले, अच्छे से मिलाकर सजातीय मिश्रण बना लें। एक बार ये तैयार हो जाए उसके बाद हम निशान बनाएंगे ताकि हम उसे प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकें। मान लीजिए ये A8 पर इकट्ठी की गई है तो हम ये लिखेंगे, ये वो मिट्टी है जो हमने इकट्ठा की, इसको भर दो। एक बार जब मिट्टी भर जाए तो इसे गांव के नाम के साथ भरें। फिर ये पैक लैब में, इस पैक को लैब में भेजा जाता है मिट्टी के तत्वों के विश्लेषण के लिए। मिट्टी इकट्ठी होने के बाद इसे प्रयोगशाला में भेजना होगा और इन तत्वों की मांग करें जो चार्ट में दिखाए गए हैं। अब ये तत्व आपको आपकी मिट्टी की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, फिजिकल और केमिकल। हमारे लिए दोनों तरह की मिट्टी को समझना जरूरी है। मैं आपको याद दिला दूं, घोंसला बनाने वाले पक्षी की, वो एक अलग अच्छी टहनी चुनता है, एक अलग क्षेत्र, बारिश से और मौसम से बचाव के लिए वो ये सब सावधानियां बरतता है घर बनाने के लिए। ये बीज बोने जैसा है, हमें ये सब करना होगा अगर फसल का उत्पादन चाहिए तो। यदि फसल के उत्पादन को दोगुना या तिगुना करना है तो इन छोटी सरल तकनीक को अपनाना होगा। जब आप मिट्टी का चुनाव करते हैं तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है, पोषक तत्वों को संबोधित करके मिट्टी में लगाना होगा। हम थोड़ा समझते हुए हम खाद की पूरी प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं। खाद पौधे के खाने के बराबर है, खाद पौधे के खाने के बराबर है। जैसे हमें भोजन चाहिए, कुछ इसी तरह के खाने की उनको भी जरूरत है, जिसके लिए पौधों के पास भौतिक और रासायनिक दोनों तरह की विशेषताएं हैं। केवल ये अंतर है कि हम बात कर सकते हैं कि पौधों की तरफ से भी हमें ही बात करनी पड़ेगी, पौधे बात नहीं कर सकते क्योंकि पौधे केवल लक्षण दिखा सकते हैं, इसलिए हमें उन लक्षणों को देखना होगा। इसी कारण मैंने कहा टूल्स मिट्टी के विश्लेषण के संग्रह में अहम भूमिका निभाते हैं। अब किसान होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि मिट्टी का परीक्षण क्यों जरूरी है। अब मैं एक बीज बोने जा रहा हूं। इन पौधों को फलने फूलने के लिए बहुत से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। कैसे जाने कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और अपनी फसल में कितने पोषक तत्व मिलाएं, कैसे जानेंगे? आप आंख बंद करके नहीं कह सकते कि 100 किलो डाल दो, 200 किलो डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले ये जानना होगा क्या मौजूद है और फसल की क्या जरूरत है। अब हमें दोनों का पता है, कैसे जाने? मौजूदा तत्वों का पता करने के लिए मिट्टी परीक्षण करना होगा। मिट्टी की जांच से पता चलेगा कि क्या मौजूद है। आप पहले से जानते हैं कि फसल को क्या चाहिए, क्योंकि आप फसल चुनेंगे, वो ज्वार हो सकती है, वो कपास हो सकती है, शिमला मिर्च, बंद गोभी, कोई भी फसल आप पहले से जानते हैं, गन्ना या कुछ भी। सबसे पहले जाने कि आपकी मिट्टी में क्या है। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप अपनी शादी के लिए 1000 लोगों को बुला रहे हैं। पहले आप अपनी रसोई में जाकर देखेंगे कि वहां पर कितना चावल और कितना गेहूं मौजूद है। आप सीधे दुकान पर जाकर चावल और गेहूं का ऑर्डर नहीं देने वाले। आप अपने स्टोर में जाकर देखेंगे कि वहां कितना सामान है और कितने लोग आने वाले हैं। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपको 50 किलो चाहिए या उससे कम ज्यादा, या कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ पहले से ही है और लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं और कुछ की कमी होती है।
जिन तत्वों की कमी होती है उन्हें हम अगली फसल के लिए मिला लेते हैं ताकि फसल का प्रदर्शन अच्छा रहे। जैसा कि मैंने बताया, कृपया ध्यान दें, पौधों को 13 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो उनको मिट्टी से ही लेने होंगे। ऑक्सीजन और धूप को छोड़कर बाकी उन्हें सब कुछ जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करना होगा। सब कुछ मिट्टी में डालना होगा जहां जड़ हैं। एक उदाहरण लीजिए, यदि मुंह यहां है, यदि मैं अपने भोजन को यहां रखता हूं बाजू के नीचे, तो क्या मेरी ग्रोथ हो पाएगी? कभी नहीं। इसे अपने मुंह में डालना होगा ताकि वो सिस्टम तक पहुंच सके। इसी तरह फसल को भोजन वहां देना है जहां जड़ है। जड़ें नीचे गहराई में दबी होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में, तो हमें इसका पता लगाना होगा। यही कारण है हमें मिट्टी का परीक्षण कराना होता है। इसी कारण से उपकरण जरूरी है। कैसे इकट्ठा करें? हमने पीछे चार्ट में दिखाया था कि इकट्ठा कैसे करना है, तो आपको ऐसे ही इकट्ठा करना है ताकि आपको अपनी मिट्टी का प्रतिनिधि मिल सके। लैब आपको अच्छे से बताएगी कि आपकी मिट्टी में क्या क्या है। आप समझ गए होंगे कि मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी है और इसे सही वैज्ञानिक तरीके से लैब में भेजने का महत्व भी। ऐसा नहीं कि कोई भी मिट्टी उठाई और लैब में फेंक दी। सीधी सी बात है, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। अगर आप लैब में अच्छी मिट्टी नहीं भेजते हैं, लैब आपको उसी हिसाब से परिणाम देगी जैसी मिट्टी आपने वहां भेजी है। इसलिए आपको अच्छी मिट्टी लेकर लैब में भेजनी है। वो क्या है कि लैब आपको कोई जादू टोना करके परिणाम नहीं देने वाली। चाहे कोई भी लैब लेबोरेटरी हो, फर्क नहीं पड़ता। इसे सही और वैज्ञानिक तरीके से ले जाना होगा, जैसा कि हमने आपको लिस्ट में दिखाया। टूल को कैसे संभालना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे लैब में भेजना है, फिर जो आपको मिलेगा वो आपकी मिट्टी की विशेषताएं होंगी। इसको आप ऊपर से देखकर नहीं कह सकते कि अरे नहीं, इस मिट्टी में फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी है, किसी हालत में नहीं। मैं तुम्हें देखकर ये नहीं बता सकता कि ए तुम्हें मलेरिया है या कोरोना है। उसके लिए मुझे ब्लड सैंपल लेना होगा या कोई टेस्ट करना होगा। आपको क्या बीमारी है ये पता करने के लिए टेस्ट जरूरी है। आपको सामने से देखकर मैं ये नहीं बता सकता कि आपको मलेरिया है, कोलेरा है या कोरोना है। जब तक मैं आपका कोई सैंपल नहीं लूँगा आपसे, अलग अलग सैंपल्स जैसे कि ब्लड सैंपल्स और कुछ और, तब मैं बता पाऊँगा। बीमारी का पता चलने के बाद ही इलाज के बारे में सही से जानकारी दे पाएंगे। मैंने मिट्टी परीक्षण के बारे में सब समझा दिया। एक बार इसे परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेज दें, बाकी के समय में हम लैंड प्रिपरेशन पे बात करेंगे। लैंड प्रिपरेशन में हम सीजल की बात कर रहे थे, एक बार सीजल पूरा कर लें, अब मिट्टी परीक्षण के नतीजे भी ले लेंगे। कुछ की कमी होती है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, उसके आधार पर इसको बैलेंस करेंगे। हर चीज़ को बैलेंस की ज़रूरत होती है। ये हमारे खाने की भांति है। हम केवल और केवल चावल नहीं खा सकते और केवल गेहूं भी नहीं खा सकते। लगातार आप चावल ही खाते रहे तो अंत में आपको डायबिटीज हो जाएगा। क्या अब आप कह सकते हैं कि चावल जहर है? ना, चावल को बाकी की चीज़ों के साथ बैलेंस करना होगा। मनुष्य को प्रोटीन चाहिए, जलाने के लिए एनर्जी चाहिए, बोलने और चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और प्रोटीन चाहिए होते हैं मसल्स बनाने के लिए। इसी तरह फसल को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अच्छे से मिट्टी को बैलेंस करेंगे। अब आप अपना मंच तैयार करें, घोंसला तैयार करें बीज बोने के लिए। बीज आपके घोंसले में जाना चाहिए। जब मिट्टी को सारे पोषक तत्व मिल जाएं, एक ट्रैक्टर की मदद से आप इनकॉर्पोरेट करेंगे और उपकरण 9-10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9-10 दिखा रहे हैं, आप 9-10 कल्टीवेटर से अच्छे से परिचित हैं। आप 9-10 कर सकते हैं और एक डिस्क भी। अब आप जान गए हैं क्योंकि आपने बहुत सारे एपिसोड्स देख लिए हैं जिनमें डिस्क ऑपरेशन, अब डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी संशोधन में आपने जो शामिल किया है उसके पीछे का विचार ये है कि लगभग 9 इंच से 11 इंच की गहराई में मिट्टी के भीतर इसे शामिल किया जाए। अब आप ध्यान दें कि मैं ये 9 इंच और 11 इंच की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं तकनीकी रूप से ये नहीं कह रहा, हमेशा मैंने कहा मुँह। पौधों के पास दो तरह की जड़ है, एक को एंकर कहते हैं और दूसरी को फीडर। ये सीधा है,
एक उन्हें हवा या किसी भी तरह के दबाव से बचाकर मिट्टी में रखते हैं और दूसरा इधर उधर जाकर सफाई करते हैं। सफाई यानी मिट्टी से पोषक तत्व लेकर खाना। ये खाने वाली जड़ें ऑक्सीजन जोन में होती हैं। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, मतलब नीचे जाने के साथ एक्टिव फीडिंग कम हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि 9 से 11 इंच की जगह जड़ों को तत्व सोखने के लिए देनी चाहिए। आप यहाँ एक सवाल पूछ सकते हैं, मैंने कहा कि सिजलिंग से जड़ें गहराई तक जा सकती हैं। कुछ ही देर पहले मैंने बताया इन्हें टैप रूट्स कहा जाता है, मतलब कि वो लंबाई में 5 फीट की गहराई तक बढ़ सकती हैं अगर बढ़ने दें तो। 5 फीट मतलब कि वो उतनी गहराई तक पानी को सोख सकती हैं। आप सब जानते हैं कि पानी किसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सीजल के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे पौधे और ज़मीन की तैयारी के बारे में। ये आपस में जुड़े हुए हैं। पौधा एक दूसरे से जुड़ाव का क्षेत्र है, इसीलिए मैंने कहा कि इसका 60% समय अकेले भूमि तैयार करने में लगता है, क्योंकि यह आपकी 50% उत्पादकता को निर्धारित करेगा। यदि भूमि तैयार करते वक्त कुछ भूल जाते हैं तो आपकी उत्पादकता में बहुत भारी नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आप सभी जानते हैं खेती में मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, आप पीछे जाकर सारा काम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। हमें प्रकृति के साथ काम करना है, हमें एक क्रम तैयार करना होगा, हम किसी भी तरह समय बर्बाद नहीं कर सकते। जब हम योजना बनाते हैं हमें 50% महत्व केवल उत्पादकता को देना होगा, और इसीलिए आपका 60% समय खेती के दौरान जमीन की तैयारी करने में ही लगाना होगा। आप कर चुके, आपने मिट्टी के इनपुट को लागू किया है और शामिल किया है। बीज को सपाट सतह पर प्रसारित करने की बजाय ये सही रहता है, ये बेहतर है। मैं इसकी महत्वता के बारे में बाद में सिंचाई वाले एपिसोड में विस्तार से बात करूंगा। ये एक अहम भूमिका निभाता है। देखें, मैंने इस पूरे समय में भूमि की तैयारी को कनेक्टिविटी के रूप में बताया है। मैंने सीजल की बात की थी, अब सोयल प्रिपरेशन की बात करूंगा, जो मिट्टी की जांच है। मैं आपको पौधों को लगाने का तरीका बताऊंगा। अब मैं इसे इरिगेशन की ओर ले जाऊंगा। ये सब आपस में जुड़े हैं। इसी तरह भूमि की तैयारी इस क्षेत्र में आपकी परेशानियां हल कर देती हैं। दुर्भाग्यवश हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। मैं दुखी हूं कि हमारे किसान इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से हटकर किसी और क्षेत्र में अपना ध्यान लगा रहे हैं जहां दुर्भाग्यवश उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। एक बार अंडा देने के बाद आप घोंसले में कोई बदलाव नहीं कर सकते, इससे आप सहमत होंगे। देखिए, एक पक्षी कितना समझदार होता है, वह केवल अच्छे बने हुए घोंसले में ही सुंदरता से अंडे देता है, ऐसे ही अंडे को वहां नहीं फेंकता, बिल्कुल नहीं। और फिर आप अंडे के चारों तरफ घूमकर उसकी आरती उतारें, उसको कुमकुम लगाएं, तो भी ये काम नहीं आने वाला। देखिए, पहले एक सुंदर सा घोंसला बनाएं, उसमें अंडे रखें, यकीनन अच्छे चूजे निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आपने एक बार जमीन तैयार कर ली और उसमें संशोधन कर लिया, फिर हम बनाएंगे रिज्जर फरो। हम उसके लिए एक उपकरण दिखाने जा रहे हैं, वो उपकरण यहाँ दिखाई दे रहा है। ये टूल आपको बताएगा कि रिज्जर फरो को बदल सकते हैं। उस उपकरण के बारे में एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि उसको कैसे बदलना है दूसरे एपिसोड में, ताकि आप समझ पाएं कि इसे कैसे चलाना है। स्पेशल एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे जिन फायदों की मैं बात करूंगा, क्यों सपाट सतह की बजाय क्यों मुझे ऐसा करना चाहिए। रिज्जर फरो का फायदा ये है कि इससे मशीनी निराई कर सकते हैं। खरपतवार खेती में सबसे ज्यादा परेशान करती है और इस बात से आप सब सहमत होंगे, खरपतवार को निकालना सबसे मेहनत का काम है, इससे ज्यादा खर्च होता है। यही कारण है कि हम अर्थव्यवस्था के
बहुत निचले स्तर पर आते हैं, इसीलिए यह फसल का दुश्मन है। कौन सा खरपतवार नुकसानदेह है ये आपको पता है। ये पोषक तत्वों को ले जाते हैं, ये पानी को ले जाते हैं, तो ये दोनों हमारी फसल के कातिल हैं। पर सपाट सतह पर मशीनी निराई करना मुश्किल है, आप मशीनी निराई नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब मैं छिड़कना चाहूँगा कुछ कीटनाशक दवाइयाँ। अब मैं अंत में कटाई के समय अपना कंबाइनर चलाना चाहूँगा। आप देखिए कि अब मैं सीधा भूमि की तैयारी से कटाई पर पहुँच रहा हूँ, तो आप यहाँ पर कटाई की योजना बना रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते, कटाई के वक्त मुश्किल होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वहाँ बहुत सारी वेस्टेज हो जाएगी। वहाँ ये एक बहुत मुश्किल मुद्दा बन जाएगा। वहाँ ये सब आपको अपने आप करना पड़ेगा, और अपने आप करना कितना मुश्किल भरा काम है। मैं नहीं कहता कि मानवीय ताकत को हटा दें, मैं ये नहीं कह रहा कि मशीन इस्तेमाल करें, लेकिन कैसे बढ़ाएं। मानिए कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो क्या कोई ऐसा उपकरण है कि मैं 500 किलो उठा सकूँ? मतलब मुझे अब भी काम करना है, लेकिन और कुशल तरीके से। तो जो कुशलता है उपकरण के साथ आती है, यही कारण है कि हम इन ऑपरेशंस के लिए रिजर्व हैरो यूज करते हैं। जो अब मैं सिंचाई और कटाई के पार्ट में बात करूंगा, ये उससे कहीं ज़्यादा है। रिजर्व हैरो पर अगली बात जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा वो है जनसंख्या। आपकी उत्पादकता में पौधों की संख्या एकड़ के हिसाब से आपकी उत्पादकता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, उदाहरण के तौर पर मक्का, आपको एक फोटो दिखाई गई है जो कि मक्के की फोटो है, जहां ये छिलके के साथ आता है। अब पौधों को एक जितनी मात्रा में धूप चाहिए, इसका मतलब आपको अपनी एक एकड़ की जमीन में फसलों को जरूरत अनुसार जगह देनी होगी ताकि वो सूरज से रोशनी लेकर काम कर सकें। सूर्य की एक अहम भूमिका है, आप सब जानते हैं। किसान के रूप में कटाई के दिन सूर्य पूजते हैं, क्या मतलब? सूर्य की अहम भूमिका होती है, मतलब हमें हर एक पौधे को अच्छे से धूप देनी होगी, जो कि आप बस रिजर्व हैरो से कर सकते हो। मतलब पौध संख्या की सही योजना बनाई जा सकती है। एक बार आप अपनी फसल पर आधारित पौध संख्या की योजना बना लें, आपको फसल की एक किस्म को चुनना है और इसका एक क्रम है। अब हमारे पास उपयोग के लिए एक ट्रैक्टर है, जिससे हम अपने सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो सीजल हो, चाहे वो पेस्ट मैनेजमेंट हो, रिजर्व हैरो या कुछ और कटाई। इसके लिए हम एक ट्रैक्टर या कंबाइनर को भी किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए हमारी ज़मीन तैयार होनी चाहिए, है ना, ताकि ट्रैक्टर अंदर जा सके। अब इसका भी क्या फ़ायदा है कि आपके पास मशीन है पर ख़राब ज़मीन की वजह से अंदर नहीं ले जा सकते। अब रिजर्व हैरो के फायदे ये हैं, सबसे ज़रूरी, अचानक बारिश आ जाती है, सपाट सतह पर पानी खड़ा हो जाता है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, पानी खड़ा होता है क्योंकि आपने सिजलिंग नहीं की थी। पानी का खड़ा होना मतलब जड़ें जिन्हें खाना था और दिखाना था, और अब ये चोक हो चुकी हैं, चोक यानी कि जाम। उदाहरण के लिए मैं प्यासा हूँ, ठीक, मुझे गिलास में पानी दिया गया है, मतलब मुझे गिलास से पानी पीना है। मैं प्यासा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 हॉर्स पावर का पंप चालू करके मेरे मुंह में डाल दें और कहें कि लो अब पियो। ऐसा ही अब हम कर रहे हैं और ऐसा ही बारिश करती है, और हम बारिश नहीं रोक सकते। हमें बारिश चाहिए, पर बारिश को मैनेज कैसे करें? अपनी परी से हम अपनी ज़रूरत और काबिलियत के अनुसार, ताकि उसे सही से यूज करें, इसलिए हम ये उपकरण यूज कर रहे हैं। सपाट सतह पर ज़्यादातर भारत के किसान, जब भी मैं भारत में घूमता हूँ, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगा रहे हों, या महाराष्ट्र में गन्ना उगा रहे हों, या दक्षिण में जाएं तो कर्नाटक में सब्जियां उगाते लोग, सपाट सतह पर और अच्छे से ना किए जाने पर पौध संख्या कम होती है। जब बारिश आती है तो जुड़ाव की वजह से पौधे सो जाते हैं, वे प्रदर्शन नहीं करते,
फसल चक्कर 100 दिन का होता है और उसमें से भी पौधे 20 दिन सो जाएं, तो आप बेहतर नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मतलब भूमि तैयार करके रीजन फ्रो लगाना, ये सब फायदे हैं। हम इस पर सिंचाई के एपिसोड में और चर्चा करेंगे, क्योंकि यह उस एपिसोड से भी संबंधित है। आप अगले 2-4 एपिसोड्स देख लें, उनमें आपको इरिगेशन भी मिलेगा, और इरिगेशन में हम बात करेंगे कि रिजर्व फ्रो क्यों जरूरी है। एक बार रिजर्व फ्रो हो जाए, हाँ ठीक है, हम ये कर चुके हैं। अब भारत की ज़्यादातर मिट्टी के उपजाऊपन में पोषक तत्व बहुत कम मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि ये फसल पोषक तत्व ले अपने मुंह पर, जैसा मैंने बताया जड़ या मुंह, तो मुझे ये जड़ों में देना होगा। कैसे दूंगा? रिजर्व फ्रो के बाद एक टूल है जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसे खाद की प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस खाद की प्लेसमेंट से मतलब है कि मैं बैंड्स में खाद लगा रहा हूं, वो धरती के नीचे एक अलग गहराई में बैंड से लगाए गए हैं। अब ये गहराइयां भी अहम हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जड़ें फैलती हैं, अगर वो बढ़ते हुए पोषक तत्व देखते हैं तो वे उसे सोखने के लिए कूद पड़ते हैं, और हम इन्हें बिल्कुल जड़ों पर रख रहे हैं, अलग गहराई पर। अब वो काम ये उपकरण कर रहा है, इन उपकरणों पर चर्चा अलग एपिसोड में करेंगे। टूल के बारे में आपको अलग से समझाया जाएगा, मैं यहाँ पर केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन पर ये टूल यूज करना है बस। इसको कैसे चलाना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, ये हम आपको अलग से शॉर्ट में समझाएंगे। इन उपकरणों के साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इन उपकरणों को ट्रैक्टर के साथ कैसे लगाना है, यह आपके लिए बहुत आसान होगा। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपसे इस विषय में बाद में बात करेंगे किसी और एपिसोड में। खाद डालने के उपकरण पर मैं कहना चाहूंगा, मैंने 13 तत्व पर जिक्र किया था, कैसे ये 13 तत्व, आपको समझना होगा कि यहां 2 पार्ट हैं, एक मोबाइल और एक इमोबाइल। मैं आपको उलझाऊंगा नहीं। मोबाइल मतलब वे जड़ों के स्थान तक नीचे बढ़ सकती हैं। कुछ तत्व हैं जैसे पोटाश, वो स्थिर हैं, मतलब अगर आप सतह पर लगाएंगे, हाँ मिट्टी की ऊपरी सतह पर। जड़ कहाँ है? मिट्टी के नीचे। और आपने खाना कहाँ डाला है? सतह पर। अब ये फसल को कैसे मिलेगा? जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरा मुंह यहाँ है और आप खाना मेरी बगल में देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कैसे बढ़ पाऊँगा? अगर मुझे बढ़ना है तो मुंह में खाना डालना होगा, पर आप मुंह को नज़रअंदाज करके खाना कहीं और डाल रहे हैं और हैरान हैं कि मेरी फसल बढ़ क्यों नहीं रही। अब ये खाद डालने वाला उपकरण बिल्कुल जड़ों पर खाद डालता है, बीज बोने से भी पहले। देखिए, अभी आपने बीज भी नहीं लगाया। इसे कहते हैं जमीन की तैयारी, इसीलिए 60% अकेले इसको दिया गया। अब ये खाना जो कि स्थिर है, इस उपकरण की मदद से बैंड में दिया जाता है। स्थिर होने के कारण ये पौधे को खुद लेना होगा। यूरिया का उदाहरण ले लीजिए, आप यूरिया से अच्छी तरह परिचित हैं। अगर आप यूरिया डालेंगे यह आसानी से नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप पोटेशियम या फिर फॉस्फोरस डालेंगे ये नहीं जाएगा। ये फसल में गैर मौजूद होके यह केवल मिट्टी की सतह पर रहेगा, तो इसका मतलब 100 दिन तक ये सतह पर ही रहेगा। यदि कभी ज़्यादा बारिश हुई तो मैं बता रहा था, बहाव के साथ ये भी साथ में ही बह जाएंगे और ये नदी नालों में गिर जाएंगे, और यही कारण है कि हमारे सारे तालाब बहुत हरे भरे हैं। आपने देखा होगा हमारे खेत पीले हैं और तालाब हरे भरे, और ये सारे तत्व बारिश से धुल जाते हैं। सोयल कंपैक्शन के समय हमने इस पर पहले बात की है, तो सिजलिंग करने से इन तत्वों का नुकसान बच सकता है।
एक बार आपने खाद को बैंड से लगा दिया तो आप बीज बोने के लिए तैयार हैं। आशा है कि इस एपिसोड से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। सभी सवालों के बाद अब आपके पास पर्याप्त जानकारी है। उसका महत्व देखिए, आप इन तकनीकी चीज़ों में ना उलझें। आपके पास तैयार उपकरण है और हम समझाएंगे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इनको ट्रैक्टर के साथ कैसे जोड़ना है, ये आपको कोई ना कोई बता देगा। इन सब के बाद आपकी जमीन तैयार है, अब आप बीज या पौध लगा सकते हैं। चाहे वो बीज लगाना हो चाहे वो पौध लगाना हो, सब हो चुका है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत मुख्य जानकारी दिया पूरे अपने किसान भाइयों को कि खेती के बारे में, और वो भी स्पेसिफिकली खेत कैसे तैयार करना है खेती के लिए। साथ ही साथ आने वाले समय में बहुत सारे हमारे किसान भाई आपको प्रश्न पूछेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे, इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, आप कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने प्रश्न या कोई सुझाव भी है तो हम जरूर उनको पढ़ेंगे, और आने वाले शुक्रवार को हम इन उत्तर के साथ आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। और साथ में आने वाले हमारा एपिसोड होगा फर्टिलाइजर या प्लांट के लिए न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस पहला एपिसोड को अंत करता हूं। धन्यवाद।